Hey guys, what's up everybody, it's your boy Shine and welcome back to my new video. So guys, today's video I'm gonna talk about 5 tips for impress any girls. I mean, आज की इस वीडियो में आप लोगों को ऐसी 5 टिप्स देने वाला हूँ जो टिप्स आप फॉलो करने पर कोई भी लड़की को आप बहुत ही जल्दी से जल्दी इम्प्रेस कर पाओगे. तो गाइस, आपको भी करना है एंड आपको भी जानना है ये 5 टिप्स, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना. एंड इस वीडियो को अच्छा लगा तो लास्ट में लाइक ज़रूर करना. एंड गाइस, इस टाइप का वीडियो मैं अपने चैनल पे कभी भी नहीं डाला हूँ, ये फर्स्ट टाइम है. तो गाइस, आपको इस टाइप का वीडियो और भी चाहिए तो कॉमेंट से मुझे ज़रूर बताना, तो और भी वीडियो डालूंगा. सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट गेट स्टार्टेड. टिप्स नंबर 1, राइट साइड, यानी कि आपका नजर, आपके आंखें ऑलवेज राइट साइड पे होना चाहिए. आप लोगों ने तो ये कभी ना कभी सुना ही है कि लव एट फर्स्ट साइड, यानी कि पहली नजर में प्यार. क्योंकि गाइस, लव का स्टार्ट ही होता है देखने के नजरिया से. तो गाइस, आपका देखने का जो तरीका है, देखने का जो नजर है, उसको थोड़ा चेंज कीजिए, उसको थोड़ा अच्छा कीजिए, तो आई डैम श्योर कोई ना कोई आपसे जरूर इंप्रेस होगा. क्योंकि गाइस, आप जब एक लड़की के साथ बात करते हो तो उसको जरूर पता है कि आपका नजर कहाँ पे है, मतलब आप क्या देख रहे हो उसके सामने. तो गाइस, आपका नजर ऑलवेज राइट साइड पे होना चाहिए, यानी कि यू नो व्हाट आई मीन, मतलब उनके आंखों में आंख रख कर बात कीजिए एंड नज़र इधर उधर मत रखिए एंड आई कॉन्टैक्ट रखिए. जब भी उससे बात करते हो तो आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए अच्छे से. गाइस, आप जब उसके फेस की तरह देख के बात करेंगे तो उसको पता चलेगा कि आपका कोई गलत मोटिव नहीं है एंड आप उसके साथ बात करने में खुशी हो. तो गाइस, जब आप एक लड़की के साथ बात करते हो तो उसके फेस के तरफ देख के ही बात कीजिए एंड आपका जो नज़रिया है वो थोड़ा ठीक ठाक होना चाहिए. टिप्स नंबर 2, बी गुड लुकिंग, यानी कि कभी भी आप किसी भी लड़की से बात करते हो तो वो फर्स्ट टाइम आपके फेस के ऊपर ही देखता है. तो गाइस, आप जैसे भी, मतलब आपका फेस जैसा भी है, बट थोड़ा सा उसको जो है फ्रेश एंड हाइजीन रखिए एंड थोड़ा सा अच्छे से उसको केयर कीजिए, अच्छे से हाइजीन रखना चाहिए. एंड बहुत सारे लड़के को मैंने देखा है कि बहुत अजीब टाइप का फेस वो लोग बना रखता है, इधर इधर अजीब अजीब सा बियर्ड रखता है एंड यहाँ पर मुस्टैच भी ठीक ठाक से सेव नहीं करता है, हेयर टाइम से नहीं कटता है. गाइस, बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि यार लुक से कुछ भी नहीं होता, सिर्फ पैसे से होता है, बट ये बिल्कुल भी रॉन्ग है. गाइस, ये जो टीन एज में सभी जो है लुक्स के ऊपर ही, मतलब आप देख सकते हो बहुत सारे, आप बाहर जब निकालते होंगे तो देखना कि यार लड़कियाँ जो है लुक्स ही देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका लुक्स उसके सामने आता है, फिर आपके पास कितना पैसा है वो देखता है, बट टीन एज में लुक्स बहुत मैटर करता है यार. गाइस, आपका शक्ल जैसा भी हो, बस उसको नीट एंड क्लीन रखो, फ्रेश रखो, थोड़ा हाइजीन रहो, जो है हेयर अच्छे से ठीक ठाक टाइम से कटवाया करो, हेयर ठीक ठाक से स्टाइल करो एंड फेस जो है एकदम फ्रेश होना चाहिए, मतलब अच्छे से क्लीन रखो. एंड मैंने बहुत सारे लड़के को देखा है ऐसे यार पान मसाला जो होता है चिबाते रहता है, मतलब जो टीथ है वो एकदम रेडिश हो गया. यार इस सब लड़कों से कौन प्यार करेगा, जो जिसका लिप्स और दांत, मतलब टीथ जो है एकदम रेड हो चुका है, एकदम बेकार हो चुका है, उससे यार कौन प्यार करेगा, वो कौन किस करेगा उसको, कौन लड़की है वो. तो प्लीज़ खुद को अच्छे से ग्रूम रखो, टीथ को वाइट रखो एंड समर में जो है अच्छे से अच्छा परफ्यूम यूज़ करो. आप किसी से भी बात करेंगे तो आपका इंप्रेशन उसके सामने अच्छा रहेगा. एंड गाइस, आपका ड्रेसिंग भी मैटर करता है, आपका ड्रेसिंग भी ठीक ठाक होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप ऑलवेज ब्रांडेड महंगा कपड़ा पहनो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आप ऐसा कपड़ा पहनो जो आप पे बहुत अच्छा लगे, आप पे अच्छे से फिटिंग्स हो, आप पे जच रहे हो, ऐसा कपड़ा पहनिए एंड नीट एंड क्लीन पहनिए. जो भी आप पहनते हो उसको अच्छे से क्लीन रखना, जो शर्ट पहनते हो या फिर टी शर्ट या फिर ट्राउजर शूज, उसको अच्छे से नीट एंड क्लीन रखना. वो ब्रांडेड नहीं रहेगा फिर भी आप पे बहुत अच्छा लगेगा एंड ऐसे अच्छे फिटिंग्स वाला पहनना. ऐसा नहीं कि आप कुछ भी, मतलब बहुत ओवर साइज पहन के निकल गए हो, जैसे आपको लग रहा है कि आप अपने पापा का कपड़ा पहन लिया, तो ऐसा नहीं करना. तो आप खुद जब अच्छा लगोगे तो दूसरे तो आपके ऊपर ज़रूर इम्प्रेस होगा. टिप्स नंबर 3, बी सेल्फलेस. गाइस, आपका जो फ्रेंड जोन है वहाँ पे आपको किसी भी लड़की को आप पसंद करते हो तो गाइस ऑलवेज उसको हेल्प करो. मतलब आप कोई भी लड़की को पसंद करते हो जो आपके फ्रेंड जोन में है या फिर आपका बहुत अच्छा दोस्त है या फिर दोस्त का दोस्त है, तो आप उसको हेल्प करो. कभी भी उसको कुछ हेल्प की ज़रूरत है तो आप उसको हेल्प करना, क्योंकि जब आपके फ्रेंड जोन में किसी भी लड़की को आप हेल्प करते हो तो गाइस नेक्स्ट टाइम उसको जब भी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगा तो वो आपको ही बोलेगा. एंड गाइस, आप किसी को कभी भी हेल्प करते हो तो वो आपके चाहे भी नहीं वो आपके ऊपर थोड़ा इम्प्रेस ज़रूर होगा. टिप्स नंबर 4, स्माइलिंग फेस. गाइस, कभी भी किसी भी लड़की के साथ आपका आई कॉन्टैक्ट होता है तो उस
उसको थोड़ा स्माइल पास करो, क्योंकि स्माइल जब आप पास करोगे तो उसको थोड़ा आपके ऊपर अट्रैक्शन लगेगा, मतलब वो आपके उधर थोड़ा देखेगा। एंड वो स्माइल अंदर से होना चाहिए, एकदम सॉफ्ट टाइप का स्माइल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हा हा करके कुछ भी एक्सप्रेशन, ओवर एक्सप्रेशन दे रहे हो, तो उस टाइम वो आपसे इम्प्रेस नहीं होगा, वो आपसे मूव ऑन कर लेगा। सो गाइस, आप थोड़ा सा सॉफ्ट स्माइल करना तो क्या होगा, वो उसको ऐसा लगेगा कि आप उसको देखकर थोड़ा खुश हो, एंड इससे थोड़ा क्या होगा, आप थोड़ा अटेंशन क्रिएट कर पाओगे। एंड गाइस, आप जब भी अपने फैमिली मेम्बर से बात करते हो, पब्लिक प्लेस में अपने फ्रेंड से बात करते हो, तो थोड़ा हंस के बात कीजिए, एंड मतलब अच्छे से बात कीजिए, तो शायद अब कोई लड़की आपको देख रहा है एंड हंस के बात करते वो इम्प्रेशन दे के शायद किसी को आपका वो बात करना अच्छा लग जाए। तो कभी भी किसी से बात कर दो पब्लिक प्लेस पे या फिर कभी पार्टी पे कहीं पर भी, तो अच्छे से उसके साथ स्माइल करके बात कीजिए। टिप्स नंबर 5, इफेक्टिवली टॉकिंग। गाइस, मैंने ये बहुत नोटिस किया है, जो लड़के बहुत ज़्यादा बात करता है एंड अच्छे से मतलब सबको हंसाता है एंड जो है प्रैक्टिकल बात करता है, तो उनके तरफ जो है लड़कियां थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। तो गाइस, ऐसे ही आप जब किसी भी लड़की के साथ बात करते हो तो उसको जो है थोड़ा इंटरेस्टिंग कुछ बताओ एंड थोड़ा कॉमेडी करो, थोड़ा कुछ जोक्स बताओ, कुछ हंसाओ एंड उसको जो है कुछ इंटरेस्टिंग बात करो एंड ज़्यादा बात करो। तो गाइस, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल रहे हो, ऐसा मत करना, थोड़ा इंटरेस्टिंग बोलना एंड बी प्रैक्टिकल रहना, प्रैक्टिकल बात करना। तो ऐसा नहीं है कि आप लड़के ये सुनने में इंटरेस्ट नहीं है कि आप वो उसके लिए चांद ला दोगे, तो ये सब वो सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है। अब जो भी बोलना है प्रैक्टिकल बोलना एंड प्रैक्टिकल बंदे से जो है लड़कियां काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। तो गाइस, ये था 5 टिप्स जो आप फॉलो करने पर कोई भी लड़की आपके ऊपर बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाएगा। एंड गाइस, आई एम डैम श्योर आप ये 5 टिप्स फॉलो करेंगे तो आप जो इसको पसंद करते हो वो भी बहुत ही जल्दी आपको भी पसंद करने लगेगा। तो गाइस, आई होप इस वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है एंड इस टाइप का वीडियो मैंने पहले कभी भी नहीं डाला, ये फर्स्ट वीडियो है मेरा इस टाइप के टॉपिक पे। तो गाइस, इस टाइप के टॉपिक पे आप लोगों को और भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट्स में बताना, मैं ज़रूर इस टाइप के और भी वीडियो अपलोड करूँगा। एंड गाइस, इस वीडियो को अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करके जाना एंड कुछ भी बात है तो कॉमेंट्स पर लिखो किस टाइप का वीडियो चाहिए, कॉमेंट्स पर लिखो। एंड अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल वाला सब्सक्राइब बटन है, वहाँ पे क्लिक करो, सब्सक्राइब करो। एंड मेरे FB इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे जाओ, क्लिक करो, वहाँ पे फॉलो करो, कुछ भी बात है तो DM करो एंड मैं ज़रूर रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गाइस, आई एम डैम श्योर आप ये 5 टिप्स फॉलो करेंगे तो आप जिसको पसंद करते हो वो आपके